वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां 22 जून तक विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान होगा। संसद सत्र से पहले विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान होगा। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर सस्पेंस अब भी बरकरार है। कांग्रेस ने तैयारी बैकअप प्लान का तैयार कर लिया है। बैकअप प्लान में 2 साउथ और 2 नॉर्थ के नेताओं के नाम पर चर्चा है। खड़गे भी संभाल सकते हैं नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी। देखिए, 2 उपनेता बनाने पर भी विचार हो रहा है, तो बैकअप प्लान खासतौर पर कांग्रेस ने तैयार किया है। 2 साउथ और 2 नॉर्थ के नेताओं पर चर्चा, और खड़गे जो है वो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तो देखिए, इस पर हमारी खास रिपोर्ट आप देखिए पहले, उसके बाद हम चर्चा। लोकसभा चुनाव के रण में इस बार विपक्ष की ताकत बढ़ी है। कांग्रेस के नेतृत्व में 230 के संख्या बल के साथ विपक्ष दम भर रहा है। अब तक विपक्ष के नेता को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्वसम्मति से राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बनाने का प्रस्ताव पास किया था। राहुल ने उस वक्त सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था। अब खबर है कि 22 जून तक विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान हो जाएगा। संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष के नेता के नाम का ऐलान होगा। वहीं राहुल गांधी के विपक्ष का नेता बनने पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कांग्रेस बैकअप प्लान पर काम कर रही है। राहुल के विपक्ष का नेता नहीं बनने पर कांग्रेस की रणनीति, उत्तर और दक्षिण के 2-2 नेताओं के नाम पर चर्चा, 2 उपनेता बनाने पर हो रहा विचार, किसी तेज तर्रार सांसद को मिल सकती है जिम्मेदारी, दक्षिण से केसी वेणुगोपाल और शशि थरूर का नाम, उत्तर से मनीष तिवारी और गौरव गोगोई का नाम चर्चा में। एनडीए सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरने के लिए कांग्रेस मजबूत विपक्ष का नेता सामने रखने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं इसको लेकर सियासी तर्कश के बयानों के बाढ़ भी चल रहे हैं। देखिए, हम लोगों की तो एक ही मांग है कि हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, जिनकी इस चुनाव में मुख्य भूमिका रही है और कांग्रेस के पुनर्जागरण में उनकी निर्णायक भूमिका रही है, उन्हें प्रतिपक्ष का नेता बनाया जाए। राहुल गांधी जी तो जनेऊधारी ब्राह्मण खुद को कहते हैं, दत्तात्रेय गोत्र बताते हैं, तो यहाँ कौन, कोई एससी एसटी और मुसलमान नहीं आएगा क्या? मुसलमानों को तो इनका विशेष एजेंडा चलता है, तो किसी मुस्लिम को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाएंगे क्या? उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन जो बनाएंगे तो कांग्रेस पूरी की पूरी एक्सपोज होने वाली है। इनकी नीयत क्या है और सोच क्या है, सब सामने आ जाने वाली है। कांग्रेस विपक्ष की अगुवाई कर रही है और तैयारी है मोदी सरकार और बीजेपी की घेराबंदी की। राहुल कमान संभालेंगे तो सदन की तस्वीर अलग ही नजर आएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैकअप प्लान से विपक्ष सरकार को परेशान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज़।